मौलाना का हुकूमत मुखालिफ मार्च, लाहौर हाईकोर्ट ने मौलाना फजलुर रहमान की गिरफ्तारी और बगावत की कार्रवाई के लिए मुतफरिक दरखास्त पर हुकूमत पाकिस्तान को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मुल्की सियासी मैदान में गर्मा गर्मी, हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे पर सियासी दाव पेच, हुकूमत की मार्च रोकने की कोशिश और लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने एडवोकेट नदीम सरवर की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ने मौकफ इख्तियार किया कि मौलाना फजलुर रहमान अपनी तकारीर से लोगों को उकसा रहे हैं, मुल्क में इंतशार फैलने का खदशा है। मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया कि आजादी मार्च के शुरका वजीर आजम हाउस जाकर इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं। लोगों को रियासत के खिलाफ उकसाना बगावत के जुमरे में आता है। अदालत मौलाना फजलुर रहमान को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ बगावत की कार्रवाई का हुक्म दे। अदालत ने करार दिया कि बादियों नजर में पैमरा ने मौलाना की नफरत अंगेज तकारीर पर पाबंदी लगा रखी है। किसी किस्म की मुल्क मनाफी सरगर्मियों को रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लाहौर हाईकोर्ट ने मौलाना की गिरफ्तारी और बगावत की कार्रवाई के लिए मुतफरिक दरखास्त पर हुकूमत पाकिस्तान को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया।